नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आप लोग अगर हमारे यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप लोग को तो पता चल गया होगा कि JPSC एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अगर जिन्हें जिन्हें पता नहीं चला है तो हम बता देना चाहते हैं कि JPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, इसलिए आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें। कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं वे इसके लिए अपना एडमिट कार्ड आसानी से निकाल सके। आप लोग तो जानते हैं JPSC का एग्ज़ाम की तिथि तय की गई थी, लेकिन उसे पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया था। अब जाके फाइनली तिथि रखी गई है और इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं jpsc.gov.in में भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको पहला पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और इस तरह के इंटरफेस दिखाई देने के बाद आप सबसे ऊपर यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है उसमें क्लिक कीजिए। डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसमें बीच वाले ऑप्शन में ऊपर के साइड में लॉगिन फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इसमें जाके क्लिक कीजिए। इसमें जाके क्लिक करने से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जगह में डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसे भरने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कीजिए। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप उसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं या तो फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के दौर में अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।